नमस्ते ऑल एस्पिरेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर। ये है आपका 23 जुलाई से जो भी रिमेन रह गया है इस मंथ का। बाद बाकी हमने कंप्लीट कर लिया था जुलाई का जो भी हमारा करंट अफेयर था बाय द पीसी। ओके, सो पहला टॉपिक लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, जिसका भी अगर वो छूट रहा है, दो लेक्चर मैंने लिए हैं वीकली वाले, वो कंप्लीटली आप उनको देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, तो आपका क्या होगा, जुलाई वाला करंट अफेयर जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। आपको फिर कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए कि आपका क्या छूटा है मैगजीन की। इवन यहाँ तक तो मुझे लगता है कि मैगजीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने PIB या फिर इंडियन एक्सप्रेस या यू कैन से दैट द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर को तो मैं पर डे रीड कराता ही हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। और उसके बाद जो वीकली कुछ PIB या इंडियन एक्सप्रेस का जो भी कुछ रह जाता है उसको मैं क्या करता हूँ, वीकली अपने करंट अफेयर में जो भी संडे को आता है उसमें कंप्लीटली कंपाइलेशन हो जाता है। फिर आपको नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा छूट रहा है आपका, ठीक है, तो वो कंप्लीटली कवर हो जाता है इन दिस वीडियो। सो नाउ पहला टॉपिक ये है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप लास्ट वाले पीसी देखेंगे तो पीसी में वीकली कर पीसी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार अब मुझे जो मैगजीन, अगर मैं चलिए मान लीजिए अगर मैगजीन पढ़ते भी हैं इन एन केस, तो आपको बस वो रिविजन तौर पर हो जाएगा आपका, ठीक है, रिविजन तौर पर हो जाएगा। बाद बाकी आप MCQ वाली कोई सीरीज देख सकते हैं, जैसे आपका MCQ कर लेंगे एंड देन फाइनल कंप्लीट योर करंट अफेयर इन जुलाई। सो स्टार्ट करते हैं। सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर यानी स्टार सी इनिशिएटिव, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज स्टार सी, स्टार सी क्या है। तो ये रिलीज किया है, रिलीज कौन करता है इसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNDO, ठीक है, यानी कि इसको दो संस्था रिलीज करती हैं, किसको, स्टार सी को, कौन, ISA और UNIDO। फंड किसके द्वारा होता है, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसका वर्क क्या है, ये बिल्ड करता है स्टार सेंटर विच विल एक्ट हब ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी की के बारे में टेक्नोलॉजी देना, उनके नॉलेज को देना और एक्सपर्टीज, ठीक है, ये सब चीजें प्रोवाइड कराने का काम कौन है, स्टार सी का काम है। आगे फोर, इसकी चार प्राइमरी फंक्शन है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, टेस्टिंग करना, इनोवेशन करना, नॉलेज मैनेजमेंट। तो चार इसके प्राइमरी फंक्शन है, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेस्टिंग, इनोवेशन, नॉलेज मैनेजमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसका वर्क क्या है वो हमें समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन सोलर एनर्जी के बारे में प्रोवाइड कराना। रिलीज इसको दो संस्था करती हैं, ISA एंड UNDO, किसको, स्टार सी को, स्टार सी। एक्चुअली में अब आपसे अगर क्वेश्चन इतना ही बन जाएगा कि स्टार सी जो है ना वो किससे रिलेटेड है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए ये सोलर से है। UPSC है ना, UPSC का एक बड़ा अलग ही मिजाज है, वो कभी कभार ना क्वेश्चन को ऐसे पूछता है बिल्कुल ये समझ लो कि नॉर्मल, आपने कितना भी डीप पढ़ लिया हो वो आपको बिल्कुल फ्रंट लेयर पे उठा लेगा, सरफेस से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो इसलिए आपको बस इतना समझना है कि एक्चुअली में ये सोलर से रिलेटेड है। बाद बाकी आप इसको एक बार देख लेंगे कि दो संस्थाएं हैं, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट इसको फंडेड कर रही है और टेक्नोलॉजी नॉलेज और एक्सपर्टीज एक्चुअली में इससे मिल रहे हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग, टेस्टिंग, इनोवेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट, सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो 2023 में आया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में देखिए इस बिल में क्या था, पहले जब हम मूवी देखने जाया करते थे सिनेमा घरों में, तो एक पहले एक आप देखते थे कि एक सर्टिफिकेट आता था कि फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला है कि वो यू सर्टिफिकेट की है, ए सर्टिफिकेट की है या फिर UA सर्टिफिकेट की है। अब ये सर्टिफिकेट बंद हो गए, अब इन सर्टिफिकेट की जगह आएगा आपका एज बेस, यानी कि बेस क्या माना जाएगा, एज, एज के बेस पर ही आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो 2023 वाला आया है ये आपका इसके बारे में बताता है, ये बताता है आपको ओनली बेस ऑफ एज, नॉट ए UA UA, ठीक है, सर्टिफिकेट ये बंद हो गए, तो इतना आपको समझना है। अब आपके लिए अगर UPSC में क्वेश्चन बनेगा तो ये दे देगा, है ना, कि ये अभी भी है अमेंडमेंट बिल में, ये किए गए नहीं, ये तो हटा दिए गए। अच्छा, मेगा प्लांटेशन ड्राइव्स, इसको ये एक्चुअली में कहाँ शुरू किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका थीम था पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। क्या थीम है इसका, व्हाट इज द थीम ऑफ द मेगा प्लांटेशन, इज द थीम ऑफ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ एंड इनिशिएटेड स्टार्टेड बाई दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। क्लियर है? तो आपको बस इतना समझना है कि मेगा प्लांटेशन जो ड्राइव है वो स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप सड़क पर निकलते हैं या फिर आप जहाँ भी रहते हैं या फिर आपने कहीं बैठते हैं जाके अपने सर्किल में फ्रेंडों के साथ, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लेयर, है ना, ग्लेयर का मतलब क्या है, एक्सेसिव ब्राइटनेस एंड विजुअल डिस्कम्फर्ट। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने फोन को उस पर इतनी ब्राइटनेस कर दिया कि आपको देखने में भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है,
तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्लेयर कहलाएगा। अब ये ग्लेयर मोबाइल में तो होता ही है, उसके बाद जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे लाइटिंग इतनी है कि विजुअल आपका जो है वो डिसकम्फर्ट है, आपको दिखने में भी दिक्कत हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेयर बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते स्काई ग्लो। स्काई ग्लो मतलब आकाश में ग्लो, तो ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर हैबिटेट एरिया, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इतनी ब्राइटनिंग कर दी गई है नाइट स्काई की, है ना। जैसे आप देखते होंगे कुछ जगह ऐसी लाइटिंग लगी होती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्काई ग्लो। उसके बाद हम देखते हैं लाइट ट्री पास। व्हाट इज ए लाइट ट्री पास, ये लाइट फॉलिंग वेयर इट इज नॉट नॉट इंटेंडेड ओवरऑल, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं या इंडीड, सॉरी यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे लाइट की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे इतनी लाइट लगा रखी है, जहाँ लाइट की हमें कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे लाइट की इतनी लगा रखी है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइट ट्री पास। क्लियर हो गया। उसके बाद है क्लटर। व्हाट इज ए क्लटर, क्लटर का मतलब क्या है, जैसे ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइट कंफ्यूजिंग एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइटिंग सोर्स, इनकी इतनी लाइट लगा रखी है कि हम कंफ्यूज हैं कि किस लाइट की रोशनी हमारे पास आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लटर। क्लियर हो गया। तो ये चार टर्मोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। ग्लेयर का मतलब था एक्सेसिव ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्काई ग्लो का मतलब है इनहैबिटेड एरिया में लाइटिंग बहुत ज्यादा कर दी गई। लाइट ट्री पास का मतलब है जहां पे लाइट की कोई जरूरत नहीं है वहां भी लाइट लगा रखी है, और क्लटर का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हैं कि आपके ऊपर कौन सी लाइट आ रही है, इतनी लाइटिंग कर रखी है। क्लियर है, ये सेम सिमिलरिटी वाले टर्म है, इसलिए आप एक बार इनको नोट कर लेंगे और कहीं लिख भी लेंगे, क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके सामने क्लियर लिख देगा, और यहाँ पे वो नीचे लिख देगा जैसे इनहैबिटेड एरिया, स्काई ग्लो लिख देगा एक्सेसिव ब्राइटनेस, लाइटिंग ट्री पास, तो ये आपका ये वाला ये एक्सचेंज कर देगा, क्लटर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टर्मोलॉजी आपको क्लियर कर लेनी है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हम मिल जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये एक्चुअली में बॉडी है, हम क्या करते हैं अपनी पीसी में जो भी दिन में PIB, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू न्यूज़पेपर से जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उन्हीं को हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमारी एक बॉडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है उसको हम फिनिश करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि लास्ट में हमें बॉडी याद ना करनी पड़े, क्योंकि ये डेफिनेटली है कि बॉडी का क्वेश्चन एक दो आता है, एक दो आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये बॉडी है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को फ्रॉम द POPs। अब POP क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग है, यस, स्टॉक होम कन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग रीजन। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से अगर आप लीगली बाइंडिंग नहीं करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उसको लीगली बाइंडिंग करना इज अ मैंडेटरी, ठीक है। तो स्टॉक होम कन्वेंशन में अब देखिए क्वेश्चन जब भी यूपीएससी बनता है तो सिर्फ इतना पूछ लेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग और नॉट, यस लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और रीजन क्यों भाई, ऑर्गेनिक वाला है, केमिकल वाला है मोस्टली ज्यादातर लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं अदर, अदर में देखते हैं कि इसके इंफॉर्मेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नोटिफाइड द रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स इन 2018 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नोटिफाई किया किसको, रेगुलेशन ऑफ POP, POP मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यू कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड इन किसमें, किसमें, अब आप समझ रहे होंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन में, ठीक है। तो अच्छा अब अंडर द एनवायरमेंट कौन सा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स है इन 2018 वाला वो किस प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत है, तो आपसे 1972 कर देगा, यानी कि WPA, यही तो है ना, बस यही छात्रा सीखना है हमें, क्या है क्या नहीं है, WPA नहीं है भाई, ये कौन सा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब भाई WPA क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाइटल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका इससे क्या मतलब है POP से, ठीक है। मेंबर कितने, 186। इंडिया ने रेटिफाई किया किसे, इसे कब, 2006 में, और नाउ रेटिफाइड यूनाइटेड स्टेट, इसराइल, सॉरी नॉन रेटिफाइड, कौन कौन ने नॉन इसको अभी तक रेटिफाइड नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट है, इसराइल है और मलेशिया है, ये तीन कंट्री आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, और खासकर यूनाइटेड स्टेट को तो आप याद रखेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन को इसने अभी तक रेटिफाई नहीं किया, बट इंडिया ने रेटिफाई किया दिया कब, 2006 में, और इसकी 86 पार्टी है इसमें, ठीक है। और ये जो है ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन सा है, 1986 वाला, 1972 वाले से इसका वैसे भी मतलब नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस से निकालेंगे तो कॉमन सेंस से भी हमारा आंसर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अब तक हमने ये देख लिया कौन सा, 23 वाला, अब हम आ जाते हैं आगे, फिर हमारा कौन सा है, देखिए यही खास बात है इस पीसी की, पीसी की खास बात क्या है कि आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB का आई थिंक एक भी सिंगल टॉपिक नहीं मैं छोड़ता हूँ, और कोशिश मैं यही करता हूँ कि सिलेबस से आपका वो मैच हो रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं मिशन शक्ति, ये आपकी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, व्हाट इज ये इंटीग्रेटेड वुमन
इम्पावरमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसमें क्या है, वुमेन को क्या मिलेगी, इम्पावरमेंट मिलेगी, ठीक है। अब ये अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। अब अम्ब्रेला वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, अम्ब्रेला का मतलब है छाता, जिसके अंतर्गत जिसके नीचे बहुत सी सुविधाएं मिल रही हों, जैसे सेफ्टी भी मिल रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी मिल रहा है, समझ रहे ना मेरी चीज़ों को। तो यहाँ पे कोई कुछ भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। भाई जब भी मिनिस्ट्री आए ना, इसको इतनी अच्छी तरीके से आप देख लेना है एक बार कि आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो पाए, ठीक है। मिशन शक्ति हैज टू सबमिशन, इसकी दो सबमिशन है, एक संभल और एक सामर्थ। अब संभल का मतलब है भाई संभल जाओ अपनी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए है, तो फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑफ वुमेन, तो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए संभल, ये क्या है इसकी सब स्कीम है, किसकी, मिशन शक्ति की। और सामर्थ क्या है, ये एम्पावरमेंट देता है किसको, वुमेन को, तो वुमेन को एम्पावरमेंट यानी कि शक्ति, समझ रहे हैं ना, सामर्थ्य हिंदी का वर्ड है और उसका मतलब है पावर, तो एम्पावरमेंट यहाँ से भी आप इसको वर्ड को निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो आपके लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, ये स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम है, और इसको मिनिस्ट्री कौन सी देख रही है वो देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं मरीन हीट वेव, ये ना ये क्वेश्चन देखिए, ये कई बार पूछा गया तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये कई बार न्यूज में रहा सॉरी, और ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं व्हाट इज, एक मिनट, यही खास बात है कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक लिखता हूं तो सबसे पहले आपको इतना पता ही आखिर में है क्या, व्हाट इज, ये है क्या चीज, इसके बारे में हम कुछ तो पता होना चाहिए। तो देखते हैं, अ मरीन हीट वेव इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये क्या है भाई, ये क्या है, वेदर इवेंट्स है, यानी कि जो मौसम के इवेंट्स होते हैं वो है, ठीक है। व्हेन अकर, ये कब होता है, जब 3 से 4 डिग्री एबव, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर एबव हो जाता है, ठीक है, किससे, जो एक्चुअल में टेम्परेचर होता है उससे अगर 3 से 4 डिग्री अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो मरीन हीट वेव में काउंट हो जाता है, बस इतना समझ लेना है आपको, क्लियर है, ओके। अच्छा ये लिखा है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अबव द एवरेज टेम्परेचर एट लीस्ट 5 डेज इन द पर्टिकुलर रीजन्स, और कितने दिनों में, 5 दिन में, यानी 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर एबव हो गया, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मरीन हीट वेव, ये टर्मोलॉजी है, इतना समझना है। अब देखते हैं बेडा क्यूलिन, ये क्या, ये भी टर्म है, बेडा क्यूलिन भी क्या है, ये भी टर्म है, ठीक है, व्हाट इज, तो सबसे पहले इतना समझना है कि ये है क्या, ये है क्लास ऑफ मेडिसिन, सबसे पहले ये बात समझना है, बेडा क्यूलिन एक किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से। यूपीएससी की यही खास बात है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना यूपीएससी, तो बस आपसे ये पूछ लेगा कि व्हाट इज, ये है क्या, इसके बारे में आपको पता क्या है, जानते क्या आप इसके बारे में, तो ये एक मेडिसिन है, क्लियर है, और इसको एंटी माइक्रो बैक्टीरियल, ठीक है, वर्क किस में करती है, ये करती है आपके ट्यूबरक्लोसिस में, इतना समझ लेना है खाली बस। अब देखते हैं टेल मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट, यानी कि इसको टेल मानस स्कीम बोला गया, ठीक, तो ये स्कीम है टेल मानस, व्हाट इज, डिजिटल आर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होने के बाद इंडिया में कई ऐसे एनजीओ काम किए और कुछ गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव स्टार्ट की कि अगर आपको मेंटली हल्की सी भी प्रॉब्लम है देन कॉल, है ना, कुछ नंबर भी जारी किए गए, और ये तभी होता है जब इंडिया में कोई ट्रेजडी होती है ना, अपने अब मैं बताऊँ क्या है ना कि अपने जो लोगों में ना, जैसे कोई अगर मेंटली हल्का सा भी डिस्टर्ब भी है ना, तो लोग उसको समझते नहीं है, उसके इमोशंस को नहीं समझते हैं, और फिर कुल मिला के ये है कि जब उसके इमोशंस नहीं समझे जाते तो फाइनल वो डिसीजन लेता है कि भैया मेरे को सुसाइड करना है, तो ये उसी केस में ये जारी हुआ था, बट इसको अभी कुछ रेगुलेट किया गया है इसलिए ये न्यूज में आ गया है। तो देखते हैं डिजिटल आर्म्स हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टेल मानस ये किससे रिलेटेड है, तो मैं बता दूँ ये आपका है मेंटल हेल्थ से, पहले तो आपको इतना क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए यह निकल गया है टेल मानस यानी कि मेंटल से, ठीक है, और स्ट्रेंथिंग इसका एम क्या है, ये मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन द कंट्री, इसका काम ये है कि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विस है उसको क्या करना, स्ट्रेंथ करना, ठीक है, ये वर्क है किसका, टेल मानस का। ये मिनिस्ट्री किसकी, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री है, अब सीधी सी बात है हेल्थ वाली होगी और फैमिली वेलफेयर वाली होगी, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को जज करेगी, क्लियर है यहाँ तक। तो टेल मानस आपको समझ लेना है, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और इसका काम है मेंटल हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथ करना, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टॉक होम कन्वेंशन, जिसमें पॉप की बात की गई थी, अब उसको आप ऐसे भी याद कर सकते थे कि होम में, यानी कि होम घर में क्या रखें, पॉप, पॉपकॉर्न खाते हैं ना, उसी सेंस निकालेंगे, ठीक है,
अब आप आ जाते हैं रोटरडम कन्वेंशन में। इसमें प्रायर इन्फॉर्म कन्वेंशन चाहिए, यानी कि PIC बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर कर लेना है आपको। स्टॉकहोम कन्वेंशन में पॉप और रोटरडम कन्वेंशन में आपको प्रायर इन्फॉर्म कन्वेंशन, ठीक है। तो देखते हैं ये स्टेबलाइज कब हुआ था, 1998 में। केम इनटू फोर्स कब आया, ये 2004 में, 1998 में पास होने के बाद लगभग उसको 6 साल लगे तब ये फोर्स में आया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रमोट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हजार्डस केमिकल। यानी कि अगर आपको कोई भी हजार्डस केमिकल के बारे में अगर कुछ भी अपने उसमें वर्क करना है, तो आपको प्रायर इन्फॉर्म कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मेंबर कितने हैं, लगभग हैं इसमें 72 सिग्नेटरी हैं, 165 पार्टीज हैं, और इसमें इंडिया भी पार्ट्स है, और ये कैसी है, लीगली बाइंडिंग। तो अब तक हमने जो दो कन्वेंशन पढ़े वो हमें अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, कौन सा था, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन और एक रोटरडम कन्वेंशन, ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, लीगली बाइंडिंग। अगर मैं बता दूं ना, क्वेश्चन आपका हार्ड होता है तो हम ना बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, हमें इसका अपर लेयर ही नहीं पता, कि अपर लेयर पे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। देखिए, कोई सा भी टॉपिक आए आपको उसके बारे में एक वर्ड जरूर पता होना चाहिए, और एक वर्ड अगर पता है ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब आपने इतना याद कर लिया, मैंने देखिए अभी जैसे कि मैं याद करा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे कि SC और RC ये दोनों की दोनों ही कैसे हैं, लेवी है, यानी कि लीगली बाइंडिंग है। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं 25 जुलाई पे। देखिए, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है, जितना बेटर फिल्टर कंटेंट देने की बात हो रही है उतना ही मैं फिल्टर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इंटरनेट पे, और सिलेबस से भी मैच करना पड़ता है कि किस चीज़ को मुझे यहाँ पे पुट करना है जो आपके वर्किंग में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास एक स्पेसीज है लुडवेंगिया पेरोवेनिया, ये एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज ये इनवेसिव वीड्स इज थ्रेटिंग एलिफेंट हैबिटेट इन द तमिलनाडु। भाई इसका ना आर्टिकल बड़ा अच्छा सा छपा था किसमें, था हिंदू में। अब देखिए, वो पूरा पढ़ा नहीं ध्यान रहा, बट यहाँ पे हमारे दिमाग में आ गया कि लुडवेंगिया पेरोवेनिया एक्चुअली में क्या है, ये एक इनवेसिव मतलब घुसपैठिया, घुसपैठिया जैसे कहते हैं ना, वो यहाँ की नहीं है, नेटिव नहीं है, बाहर की है। तो इससे क्या होता है कि एलिफेंट जो हैबिटेट है वो थ्रेट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसका लोकल नाम भी है, वो क्या नाम है, वोएल्स, क्या नाम है इसका, वोएल्स, याद रखेंगे आप, लुडवेंगिया पेरोवेनिया। पॉपुलरली इसको किस नाम से जाने जाते हैं, इसको नाम जाना जाता है पेरिमोस येल्लो, ये एक्चुअली में पीले फूल की तरह तरह होते हैं, है ना, पीले फूल के टाइप के होते हैं ये, तो इसलिए इनको पेरिमोस येल्लो बोला जाता है। नेटिव कहाँ का ये, सेंट्रल साउथ अमेरिका या पेरू, ये तीन जगह, सेंट्रल साउथ अमेरिका और पेरू का क्या है, ये नेटिव है, यूज ऑर्नामेंटल जैसे हम सजावट के काम में कर सकते हैं, फॉर इट्स टिनी येलो फ्लावर, ठीक है। और ये ग्रो कहाँ होता है, वाटर बॉडीज में, बस। बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक एक मैंने पॉइंट को निकालने की कोशिश की है कि आपका क्वेश्चन कहीं से बच नहीं पाए। तो लुडवेंगिया पेरोवेनिया एक्चुअली में इनवेसिव स्पेसीज है, जिससे क्या हो रहा है, एलिफेंट हैबिटेट हो रहा है, और इसको लोकली हम बोआल्स कहते हैं, प्रॉपरली ये यू कैन से दैट प्रोमिस प्रोमरोज सॉरी प्राइम रोज येलो के नाम से जानी जाती है। नेटिव ये सेंट्रल साउथ अमेरिका एंड पेरू की है, यूज्ड ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, और ये ग्रो कहाँ होती है, वाटर बॉडीज में। क्या होता है ना, मैं किसी भी टॉपिक को रिवाइज कराता हूँ ना, तो बस मेरा वहाँ पर पर्पज़ ये होता है कि वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेटल हो जाए। वन टाइम पढ़ने से मैं खुद ही दो बार रीड कर देता हूँ, जिससे आपको वो याद हो जाए। आगे आ जाते हैं, फॉल्ट की बात करते हैं, वॉट इज ये, क्या है फॉल्ट, इज अ फ्रैक्चर ऑफ जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन द टू ब्लॉक ऑफ रोड। सीधी सी बात है, ये तो हमने सुना होगा, फॉल्ट हो गया है ना, जैसे दो ब्लॉक के बीच में अगर फ्रैक्चर हो जाता है, यू कैन सी दैट इट्स अ फॉल्ट। तो फॉल्ट जो टाइप होते हैं, स्ट्रैक स्लिप फॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था, नॉर्मल फॉल्ट, उसके बाद रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट। तो देखते हैं क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, एक्चुअल में इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता, बस इतना समझना है आपको, इसमें कैसा मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है, बट कैसा होगा, हॉरिजेंटल, ठीक। उसके बाद नॉर्मल फॉल्ट की बात करेंगे, इसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग होगी, मतलब खिंचाव होगा, द क्रस्ट इन टू वैली, ठीक है, और उसमें बीच में क्या बन जाएगी, आपकी वैली बन जाएगी, उसे आप क्या कहेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। अब आ जाते हैं रिवर्स या थ्रस्ट फॉल्ट की, तो वन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट स्लाइड ऑन टू टॉप अदर, यानी कि एक अगर दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, यू कैन से दैट वो स्लाइड वो दूसरे के ऊपर एबव आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट। क्लियर हो गया, तो तीन आपको क्या पढ़ने थे, फॉल्ट पढ़ने थे। पहले वाले में क्या था, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में, इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं था, क्लियर कट है यहाँ तक। नॉर्मल फॉल्ट में क्या बन रही थी, आपकी वैली बन रही थी, और रिवर्स और थ्रस्ट फॉल्ट में आपका क्या हो रहा था, कि एक के ऊपर एक और, ये क्या हो रहा था आपका, वन ब्लॉक टू
अनदर ब्लॉक इसके अबव आ जाएगा, तो वो आपका रिवर्स थ्रस्ट उल्ट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आगे चलते हैं फिर हम। अब हमें मिलता है बेलारिक आइसलैंड। आइलैंड ये कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी में। ये हमारा गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने पहले कट कर दिया था। ठीक है, ये आपको इतना देखना है कि बेलारिक आइलैंड जो है ना वो आपका मेडिटेरियन सी में। ओके नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं रैनसम वेयर अकीरा। अब देखिए ये ना, ये आपका द हिंदू में था, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, पीआईबी में भी था, बट आपको यहाँ मिल गया साइंस एंड टेक का ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका वक आयदा ये लिख दिया बॉक्स में कि ये किससे रिलेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाता होगा इसको पीसी को फाइनल करने के बाद। तो व्हाट इज ये, क्या है? ये मेलवेयर है ना, मेलवेयर जो जो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो एडवाइज इसकी एडवाइजरी इसी कौन किसने किया है? बाई द कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्ड इन। सर्ड इन ने इसने इसके लिए क्या किया है? एडवाइजरी इशू की है। व्हाट इज वर्क ऑफ रैनसम अकीरा? अकीरा का वर्क क्या है? स्टील वाइटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इनक्रिप्टेड डाटा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक्चुअली में अकीरा लिखा हुआ है, तो आपको इतना पता होना चाहिए ये है क्या भाई, ये मेलवेयर है। क्या है ये? मेलवेयर, इतना समझ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अकीरा। अकीरा भी आप देख रहे हैं, ये अकीरा क्या है? ये रैनसम वेयर है, समझ रहे हैं? ये पूरा नाम हो गया रैनसम वेयर अकीरा, और ये एक्चुअली में क्या हो गया? मिलके मेलवेयर। और उसका काम क्या है? जो आपकी पर्सनल डेटा है उसको स्टील करना एंड इनक्रिप्टेड डाटा को भी स्टील करने का काम करता है, और उसकी एडवाइजरी इशू किसने की है? वो की है सर्ट इन ने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे चलते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसका यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका डीएमएफ में, इट्स अ बॉडी। तो देखते हैं स्टेबलाइज, आप आराम से देखेंगे पीवाईक्यू में आपको डीएमएफ मिल जाएगा। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये स्टेबलाइज हुआ। व्हाट इज, क्या है ये? इज अ ट्रस्ट, ठीक है, सेट अप एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में ये नॉन प्रॉफिट बॉडी के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो अब इसका क्वेश्चन जब बना था ना डीएमएफ का, तो आपके लिए क्वेश्चन यही बना हुआ था कि ये जो है आपका कैसी है, प्रॉफिट बॉडी है नॉन प्रॉफिट बॉडी है। देखिए लेनर टेक्निक चल रही थी तो आपने निकाल लिया था कभी ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है, प्रॉफिट बॉडी है ही नहीं। क्लियर, तो यहाँ से आपका आंसर निकल रहा था, देख रहे हैं ना, ये इतने बॉक्स से आपका आंसर निकाल पा रहे थे। आगे प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसका काम क्या है अभी? प्रमोट करना मिनरल एक्सप्लोरेशन को, एक्टिविटी को, जो मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है। इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना, इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या? डीएमएफ। ठीक है, एंड अदर स्कीम इन एरिया वेयर माइनिंग इज कैरिड आउट, और जहां भी माइनिंग हो रही है वहां भी ये वर्क करता है क्या? डीएमएफ। क्लियर है, और छत्तीसगढ़ के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग इन अ नॉन प्रॉफिट बॉडी। ओके नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं हम हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, ये टर्मोलॉजी है, देखते हैं। विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमिड, देख रहे हैं ना आप कितना आगे जा चुके हैं हम। अब हम आर्द्र जो हवा होती है ना, आर्द्र समझते हैं ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा बरसात का मौसम हो रहा है, तो अभी इस ये जो बरसात का मौसम है तो हवा अभी कैसी हो गई? आर्द्र हो गई है। आर्द्र का मतलब है ह्यूमिड हो गई है, तो यहाँ से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। देखना टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। एडवांटेज क्या होगा? एयर ह्यूमिडिटी इज अ कंटिन्यूसली अवेलेबल मेकिंग, क्योंकि भाई एयर में हमेशा ह्यूमिडिटी अवेलेबल रहती है। इट इज अ सस्टेनेबल रिजर्वर ऑफ एनर्जी। क्लियर है, तो आपको हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी इतना समझ लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कहाँ से? ह्यूमिड एयर से। क्लियर है, ओके नाउ नेक्स्ट फ्लोरोकेमिकल्स। ये भी आपका क्या है? ये टर्म है, देखते हैं। व्हाट इज वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पॉलीमर एग्रोकेमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड लिथियम इन आयन बैटरी। तो इसका इसका एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है देख रहे हैं आप, जैसे पॉलीमर है, एग्रोकेमिकल है, फार्मास्यूटिकल्स एंड लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा, ये जनरेट फ्रॉम द टॉक्सिक एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस इन ए हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो ये किस कहाँ से जनरेट होगा? जैसे जो एच एफ होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस, एच एफ आपने सुना होगा, ठीक है, एच एफ, इन ए हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस के थ्रू इसको जनरेट किया जाएगा। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पहले ये कितने साल के लिए होता था? 3 साल के लिए। अब ये कितने साल के लिए कर दिया? 15 साल के लिए। ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो इतना आपको समझ लेना। देख रहे हैं सीधा कितना बढ़ा दिया, 12 साल बढ़ा दिया। अब इसको देख कौन रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक्सटेंडेड दिस पीरियड। इसने इसको एक्सटेंडेड किया है, DPIIT, इसकी फुल फॉर्म आप देख लेंगे, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन इंडिया। इंडस्ट्री लाइसेंस आर इशू बाय दी, अब इंडिया में इसको इस लाइसेंस को कौन इशू करता है? वो करता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आइडिया 1951।
इंडिया में इंडस्ट्रियल लाइसेंस ये इशू करता है। तो इशू एक बार ये देख लेंगे, अब ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल लाइसेंस कौन इशू करता है, तो वो आपका है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IRDA 1951। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है जीरो FIR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, उसको देखने की कोशिश करते हैं। FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने की इसको, जस्टिस वर्मा कमेटी ने। तो आपको वर्मा कमेटी जरूर याद रखनी है, आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सीधा इतना लिखा हुआ, अगर वो ऐसे भी लिख देना UPSC तो आप ज़्यादा हाइपर टेंशन मत लीजिएगा, वो ऐसे भी लिख सकता है जीरो FIR, हो गया आप कन्फ्यूज, सर नीचे कमेटी लिख देना 3-4, है ना, जस्टिस वर्मा कमेटी, सरकारी कमेटी, कुछ और कमेटी, बस आपको याद रखना ये जस्टिस वर्मा कमेटी, क्योंकि वर्मा जी ने जीरो FIR की बात की। देखते हैं ये है क्या, व्हाट इज फील्ड बाई एनी पुलिस स्टेशन बाई विक्टिम्स एंड द ट्रांसफर इट टू रिलेवेंट पुलिस स्टेशन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं और एक आपका केस है मान लीजिए नोएडा का, ठीक है, तो आपके खिलाफ जो भी आप कह सकते हैं जो भी आपके साथ गलत हुआ और आपने FIR लिखा दी नोएडा NCR में, सॉरी नोएडा में, तो वो आपकी नोएडा वाली जो FIR है वो ट्रांसफर हो जाएगी दिल्ली NCR में, समझ रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाएगा जीरो FIR। अब इससे ना जो विक्टिम है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और उसकी FIR भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और जिस थाने में वो जिस जो उसका थाना लगता है ना, जिस उस व्यक्ति का जो थाना लगता है उसमें वो FIR पहुंच जाएगी। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रोवाइड स्पीडी री एड्रेस ऑफ विक्टिम, यानी कि कुल मिला के वही है कि स्पीडी तरीके से उसको रिलैक्सेशन देना फॉर द विक्टिम्स। अच्छा ओके, क्लियर हो गया था। अब देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSO, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपको मिनिस्ट्री देख लेनी है कौन सी है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन देख लेने बहुत अच्छी तरीके से, NSO क्या करता है ये, क्या वर्क है इसका, है ना, तो इसका कंपाइल एंड रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, कंडक्ट द एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्री। इसका काम क्या है, कंपाइल करना और रिलीज करना इंडेक्स किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है, और कंडक्ट करना, अच्छा अब देखते हैं हम अनुभव मंटपा का है ये, करंट का है, व्हाट इज, तो देखते हैं वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों के जीवन में पहली पार्लियामेंट है अनुभव मंटपा, ठीक है, और यहाँ पे श्रांस करके बैठते थे जैसे वो कभी हुआ करते थे और सोशल रिफॉर्म हुआ करते थे और इनका ये डिलीवर करने का काम करते थे किसका, रिफॉर्म का फॉर द वेरियस एरिया में। प्रभु देवा इसके प्रेसिडेंट थे, लॉर्ड विश्वेश्वरा इसके प्राइम मिनिस्टर थे, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर। मेंबर की बात करते हैं तो मेंबर को इलेक्टेड नहीं किया जाता था, मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था किसके द्वारा, बाई हायर ऑथोरिटी के द्वारा। अब इसी के बेस पर देखते हैं हम, तो हमें पता इतना याद रखना है कि प्रभु देवा इसके प्रेसिडेंट थे किसके, अनुभव मंटपा के, और लॉर्ड विश्वेश्वरा इसके क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। मेंबर की बात करेंगे तो वो इलेक्टेड नहीं होते थे, कैसे, नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है। अच्छा और ये है क्या, अनुभव मंटपा एक्चुअली में आपकी क्या है, पार्लियामेंट। क्लियर कट है यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं भरत मंडपम में, तो भारत मंडपम में ना जो IEC यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ है, प्रगति मैदान में और न्यू दिल्ली में पड़ता है, इसको क्या बोला गया है, भारत मंडपम। ये ड्राइव कहाँ से किया गया है, लॉर्ड वेसुधरा, मैंने भी पढ़ा था ये कौन थे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, और आइडिया ये कहाँ से लिया गया है, अनुभव मंटपा से, अभी हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं ग्लोबल एजुकेशन माइनॉरिटी रिपोर्ट यानी कि GMR, ये रिपोर्ट है, इसको रिलीज किसने किया है, UNESCO ने। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इसको रिलीज किसने किया है, UNESCO ने, ठीक है। टाइटल क्या है इसका, टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है, एक रिपोर्ट UPSC में पूछी जाती है कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से है, किसने रिलीज करी है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, UNESCO ने इसको रिलीज किया है। ओके आगे चलते हैं फिर हम, नेशनल कोल इंडेक्स, ठीक है, इसका क्या है, ये रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको क्या करती है, रिलीज करती है हर महीने करती है, ठीक है, इसको नेशनल कोल इंडेक्स को। बेस ईयर क्या है इसका, 17-18 है। वर्क क्या है इसका, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द मार्केट डायनेमिक प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट, जो कोल के प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन होता है ना उसको यू कैन से दैट वैल्यूएबल करना है ना, बैलेंस करना, ये काम है किसका, नेशनल कोल इंडेक्स का। और मिनिस्ट्री तो आप समझ रहे हैं, कोल से तो कोल ही है, हर महीने की जाती बस, और बेस ईयर देख लेनी है, तो अवर मंथ और बेस ईयर दो देख लेना आपको इंडेक्स के बारे में। ओके
अब आ गया यूनेस्को, अभी हमने पढ़ा था, इसने एक रिपोर्ट जारी की, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनएस्को बॉडी हेडक्वार्टर पेरिस में, और ये स्टेबलाइज कब हुई 1945 में। अबाउट इसके बारे में बात करें तो यूएनएस्को इज अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, यस इट्स अ पार्ट ऑफ यूएन। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है यूएन का पार्ट है या नहीं है, तो इतना ही पता होना बहुत बड़ी बात है। मिशन की बात करते हैं तो कल्चर ऑफ पीस की बात करता है ये, पॉवर्टी को खत्म करने की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलप सतत विकास की बात करता है, ठीक है, कौन यूएनएस्को, और इंटरकल्चर डायलॉग थ्रू द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, इन चीज़ों के थ्रू वो उसकी बात करता है। मेंबर की बात करेंगे 194 हैं, एसोसिएट मेंबर कितने हैं, एसोसिएट मेंबर हैं आपके 12, और मेंबर इंडिया है, यस इंडिया इज अ मेंबर, ओके। अब आगे आ जाते हैं हम, तो यहाँ तक थोड़ा सा मैंने स्पीड दे दी क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी कल ही पढ़ाई हैं। अच्छा आगे देखते हैं फिर हम, चेरी फार्मिंग, ये आपका चेरी फार्मिंग क्या है देखते हैं, 29-30 का ये करंट अफेयर। तो चेरी फार्मिंग की बात करेंगे तो एरिया जम्मू एंड कश्मीर, चेरी फार्मिंग कहाँ मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसके लिए, कूल टेम्परेचर चाहिए जो 15 से 25 डिग्री, जब वो ग्रोइंग हो रहा हो तब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, चेरी के लिए। और चेरी तीन राज्य आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में ही है तीनों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। रेनफॉल कितना चाहिए, लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर चाहिए, किसके लिए, चेरी फार्मिंग के लिए। सॉइल की बात करेंगे जिसका पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 7.5 होना चाहिए। कॉमन वैरायटी कुछ याद कर लेंगे आप, जैसे मखमली, सिया, मिश्री, जद्दी, किसकी, चेरी फार्मिंग की। तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप देख लेंगे। आगे देखते हैं हम कंजुगेटिव, यानी कि पिंक आई, अभी आपने देखा होगा एक आई फ्लो चल रहा है जिसको आप बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में ये इससे में क्या हो रहा है, स्वेलिंग, आंखों पे स्वेलिंग आ रही है, कवरिंग व्हाइट पार्ट ऑफ योर आईज, यानी कि आपका जो व्हाइट पार्ट है वो कैसा हो रहा है, पिंक हो, रेड हो जा रहा है। अच्छा ये है, हो किसकी वजह से रहा है, बैक्टीरिया या फिर इसको वायरस भी कह सकते हैं। कंजुकेटिव, ये कंजुकेटिविटीज है, ये कंजुकेटिव है, इसका मतलब है प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ द आई, आई में आपने वो चिपचिपापन देखा होगा ना, वो कंजुकेटिव की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा कॉमन सिम्टम्स क्या है इसके, जैसे रेडनेस होना, खुजली होना, एक्सेसिव टीयर, अत्यधिक आंसू आना, ये सब क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं किसके, कंजुकेटिव्स के, ठीक है। स्प्रेड ये कैसे होती है, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड कॉन्टेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी फैल सकती है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फैल सकती है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड का मतलब है जिसको ये प्रॉब्लम है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम, फिर हमें मिलता है सीरोसाइपस, देखिए थोड़ी सी मैंने स्पीड यहाँ इसलिए बढ़ाई है क्योंकि मैंने जो आपका 29 और जो जो, जो न्यूज़पेपर है उसमें मैंने कवर की है अच्छी तरीके से, उसको भी देख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, स्लो मोशन ही है, ज़्यादा स्पीड नहीं है। सीरोटाइप्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, यानी कि जो वायरस और बैक्टीरिया का क्या है, ग्रुप्स है। डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू वैक्सिया, वैक्सीन इसमें यूज होती है। अच्छा क्यूक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट यानी QIPS, ये करंट का टॉपिक है। साइन किसने किया है, इंडिया और लाओस ने, ठीक है। व्हाट इज, क्या है ये, QIP इज द इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड वाटर फैसिलिटी इन एंड IT, इन चार चीज़ों में ये काम करेगी, एजुकेशन हेल्थ वाटर एंड IT में। फंडेड कहाँ से होगा इसको, UN पीस कीपिंग मिशन, किसको, QIP को क्या करेगा, फंडेड करेगा। इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होगा, ये लोकल अथॉरिटी, NGO, अदर ऑर्गेनाइजेशन और लोकल एक्टर्स, यू कैन से दैट, ये भी इसको इम्प्लीमेंट करने में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट्स, ये भी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC एंड स्टेट एग्जाम। इसमें एक रिपोर्ट आपकी पूछी जाती है तो ये UNEP, कौन, UNEP। तो देखिए जब भी ग्लोबल क्लाइमेट में ज़्यादातर मोस्टली UNEP ही आ जाता है। अच्छा अब देखते हैं नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको नकीम बोलते हैं, ये बॉडी है इम्प्लीमेंटेड बाई द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWV, ये आपको याद रखना है। तो नकीम को कौन देख रहा है, CGWV। पार्ट किसका है ये, पार्ट देखेंगे, पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम, इसका ये पार्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या अंतर होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फंडिंग नहीं होती है, बट सेंट्रल सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% फंडिंग होती है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम है, ठीक है, ये इसका पार्ट है क्या नकीम, और ये जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन। अच्छा इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है डेवलप करना प्लान फॉर द ग्राउंड वाटर एंड मैनेजमेंट,
मतलब कुल मिला के ये जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए मैनेजमेंट का काम करने का है नकीम का, ठीक है। अब एक्वीफर का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्वीफर, आपके लिए टर्म बन जाएगा तो आप ये समझेंगे, अच्छा एक्वीफायर मतलब वो प्यूरिफाई वाटर, यू आर कंफ्यूज्ड। द रॉक इन द विच द ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन आर कॉल्ड एक्वीफर। एक्वीफर का मतलब है जो आपका जो भी रॉक है, चट्टानों में जो भी पानी आपका उपलब्ध है उसे आप क्या बोलेंगे, एक्वीफर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं मेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमारा जो कंप्लीट पीसी था उसको हमने देख लिया, कंपाइलेशन ऑफ द वीकली। सो अब हम मेप करते हैं। आप क्वेश्चन था हमारा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका न्यूज में रहा मेप, तो इसको हम याद करेंगे सीड से, ठीक है। सीड तो क्या कैसे याद कर लेंगे, सॉरी वेट 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 सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीड, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि मान लीजिए अफ्रीका के सींग पर। अब सींग कैसा होता है, सीड की तरह ही तो उगता है ना वो, सीड जैसे कहते हैं आप किसी पौधे की तरह उग रहा है, तो सीड से आप इसको रिलेट कर लेंगे। तो S4 क्या हो जाएगा आपका, सोमालिया, क्लियर है यहाँ तक। E4 आपका इरिट्रिया, E4 आपका इथोपिया और D4 आपका जिबोटी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या बनना है आपका, ये आपका क्या बनना है, ये एक हॉर्न सा बनना है। देखिए थोड़ा सा मैं हॉर्न बनाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए आपका हॉर्न सा बनना है, हॉर्न बनना लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपका एक हॉर्न सा बनना है और इस हॉर्न को हम सीड के रूप में याद करेंगे। किसके रूप में, सीड, क्योंकि हॉर्न जो होता है आप देखते हैं मान लीजिए वो इस टाइप का होता है और ये सीड पौधे की तरह ही है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। तो S4 मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, सोमालिया, E4 आपका इरिटेरिया, E4 इथोपिया, D4 जिबोटी, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा मैप क्या रहा था, अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, क्लियर है। और इधर क्या है, किर्गिस्तान, और इसके इधर क्या है, चाइना। तो अफगानिस्तान की बॉर्डर से शेयरिंग कंट्री बहुत नॉर्मल है, याद कर लेंगे। इधर ये इंडिया रहा अपना, इंडिया के बाद ये पाकिस्तान, फिर इधर अफगानिस्तान, यहाँ पे ताजिकिस्तान। और ये क्वेश्चन ना UPSC में पूछा गया, अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, देख रहे हैं ना आप। तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा, ये समझ लो कि अगर आपका कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, और डेफिनेटली अगर आप PC देखते रहे तो मुझे नहीं लगता, और सीरियस सीरियसली अगर आपने देखी PC तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैं बहुत फिल्टर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो यहाँ पे देख लिया हमने, ठीक है। तो ये आप एक बार मैपिंग अपनी कर लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेरू, तो पेरू जो है आपका देखेंगे इसमें इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, बोलिविया, ब्राजील, चिले। ये आप पेरू की क्या देख लेंगे, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देख लेंगे, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राजील है, बोलिविया है, चिले है, क्लियर है यहाँ तक। देख रहे हैं आप ECBBC। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम, अब हमारे पास फिर देखते हैं बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ इसराइल, जो भी न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते में, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आपका, जॉर्डन, सीरिया और आपका ये हो गया लेबनान और इजिप्ट, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा डिजिल करके याद कर लेते हैं, उससे भी याद हो जाएगा, और नहीं तो आप देख ही लेंगे क्या है आपका, बहुत सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जॉर्डन है, इजिप्ट है इधर, और सीरिया है, और इधर आपका क्या है, लेबनान है, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि सीरिया के लोग ज़्यादातर जेल में है ना, तो ऐसे आप सेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉरी, इसराइल के लोग ज़्यादातर जेल में है, तो S4 सीरिया हो गया, J4 आपका जॉर्डन हो गया, E4 आपका इजिप्ट हो गया, और L4 आपका लेबनान हो गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, जेल, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं फिर हम, अब हमारे पास मिलता है, आज हमने पढ़ा था नॉर्थ जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, तो इसको तो मैंने यहाँ मैपिंग कर दिया, बट थोड़ा सा मैं आपको नीचे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में अंतर, क्योंकि अभी एक स्टडी हुई थी और उस बुक का नाम आई थिंक कुछ था, उस बुक में क्या था कि पत्थरों को हटा के लगभग 7,000 पत्थरों को हटा के 5 साइंटिस्टों ने स्टडी की, तो उसमें कई उन्होंने एम्फीबियन के बारे में स्टडी की थी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, तो उन्हीं को थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें अंतर आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार हमारा कहीं ना कहीं बन ही जाता है, और जब रेंज की बात आ जाती है या फिर स्टेट की बात आ जाती है या फिर मान लीजिए आपकी कंटिन्यूटी की बात आ जाती है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, इधर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे मैंने लगाया है, तो हाइट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की देख रहे हैं आप 1200 से लेके 1500 मीटर है, और ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 150 से 300 मीटर है, तो बहुत कम है ईस्टर्न घाट की। अच्छा स्टेट की बात करेंगे, कौन कौन सी स्टेट आती है यहाँ पे, गुजरात है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में गुजरात मिल जाएगा आपको, अच्छा गुजरात मिल गया, उसके बाद आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको गोवा मिल जाएगा, उसके बाद आपका कर्नाटका मिल जाएगा, और उसके बाद आपका क्या मिल जाएगा, केरला। ये क्या हो गया आपके हाइट, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम इसी तरीके से इसकी देखेंगे उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आपका यहाँ आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना,
यहाँ पे तेलंगाना आपका, ठीक है, और फिर यहाँ का पड़ जाएगा सॉरी ये तेलंगाना और आपका ये तमिलनाडु। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं। अब देखिए एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था ना वेस्टर्न घाट वाला, तो वेस्टर्न घाट वाले में एक बार यही पूछ दिया था कि वो कितने स्टेट को टच करता है, तो उसमें मोर देन 6 लिखा था, जबकि ये कितने हैं 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और इसके कितने हैं 4, कौन कौन से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। अच्छा कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ये कंटिन्यूसली है और ये डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फॉर्म करते हैं तो सबडक्शन ऑफ द अरेबियन बेसिन, और ये फोल्ड माउंटेन के थ्रू बना हुआ है, किसके थ्रू बना हुआ है, ये फोल्ड माउंटेन के थ्रू। अच्छा एवरेज एनुअल रेनफेल रेनफॉल कितनी होती है, तो वेस्टर्न घाट में रेनफॉल की बात करेंगे तो लगभग 150 सेंटीमीटर प्लस, और ये ज़्यादातर ड्राई डेसिडियस है, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो डेंस है, और यहाँ पे क्या सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे से मिसमैच हो गई। एवरेज एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट में 100 से भी कम है। तो बरसात देख रहे हैं आप, ईस्टर्न घाट में कम है और बरसात ज़्यादा कहाँ हो रही है, वेस्टर्न घाट पे, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेंस है और यहाँ पे आपका ड्राई डेसिडियस है, तो सीधी सी बात है बरसात कम होगी तो ड्राई डेसिडियस हो जाएगा, उससे निकाल लेंगे, और जब आपकी बरसात ज़्यादा होगी तो ये डेंस हो जाएगा। सॉइल की बात करेंगे तो कौन सी है, ये वाला क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा ना तो ये क्वेश्चन आपको जरूर निकालने की कोशिश करेगा, लेटराइट है और यहाँ पे रेड सैंडी, ठीक है। रॉक की बात करेंगे तो क्रोनियचेट और यहाँ पे गेनीज एंड खोन डायलेट्स, ठीक है। हाईएस्ट पीक की अन्नाईमुड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी, वेस्टर्न घाट की, हम कई बार इसको ना ईस्टर्न घाट में घुस देते हैं, नहीं ये गलत है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये आपका वेस्टर्न घाट है, और इसकी ईस्टर्न घाट की है आपकी ये कौन सी है, जिंदगाड़ा पीक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेजर क्रॉप कौन सी होती है वेस्टर्न घाट में, कॉफी, और ईस्टर्न घाट में कौन सी होती है, राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चार्ट, इस चार्ट को आपको 2-3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपका ये वाला क्वेश्चन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वाला किसी भी कीमत पे ना बचे। और इसमें मोस्टली आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट पता होना चाहिए आपको, इसके बाद इसमें सॉइल पता होनी चाहिए, हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए, मेजर क्रॉप पता होना चाहिए, किसमें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डैम से और आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं, और देखिए मैंने इसमें पूरी कोशिश की है, जो भी आपका वीकली करंट अफेयर है, चाहे वो मैपिंग के थ्रू हो चाहे उसके थ्रू हो, तो मैंने कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो आपका बच जाए। ओके सो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं समझता हूँ अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे ना तो डेफिनेटली आपका ये क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा, पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या मैंने नंबर भी दिया है, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सीरियस हो जाइएगा, मैं बता रहा हूँ कि आपको मेरे पीसी के थ्रू डेफिनेटली करंट आपकी होगी, विद स्टैटिक पोर्शन भी आपका होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपकी, तो इसलिए जुड़े रहें आप। थैंक यू सो मच।